आइए चलिए हमारे साथ गणपति विसर्जन में, हमारे साथ चलिए भाभी के घर और एंजॉय कीजिए। और अब चल रही हैं आरती की तैयारियां और देखिए बहू रानी ने कितना सुंदर सजा रखा है दरबार, और गणपति जी तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके लिए मेहनत भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, जो दोनों ही चीज बहू रानी पे है, और उन्होंने बहुत ही सुंदर सजाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए अब हो चुकी हमारी आरती की तैयारियां और करते हैं हम शुरू आरती। ये देखिए हमारी छुटकी हो रही है उदास, क्योंकि दो तीन दिन से वो उनके साथ है तो उसको अब बुरा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, वो अगले साल दोबारे आएंगे। बस ये लो सही है ना आंटी? सही। गणपति पप्पा मोरिया देख लो, आपको भगवान दोबारा लगवा रहे, कह रहे नहीं एक बार से काम चलेगा, भगवान कह रहे हैं तो लगवा लेते। सही बात है। और क्या अब बप्पा जी मिल रहे हैं सभी से और सबको बोल रहे हैं कि मैं अगले साल जरूर फिर आऊँगा। तो देखिए चलिए हमारे साथ, और अब हम विदा करते हैं गणपति बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए, खुशी मनाते हुए कि अगले वर्ष आप ज़रूर हमारे घर आइए, दोबारे आइए, बार बार आइए।
जो हमारे गणपति जी हैं वो इको फ्रेंडली गणपति जी हैं, तो इस बार उनको तट पर ही विसर्जित किया जाएगा और वो ताकि उनका पानी जो है वो पौधों में हम बाद में डाल देंगे। बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। तो अब हम इसी के साथ लेते हैं भंडारे वाला प्रसाद। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया हो और आपने एंजॉय करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।